कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और हम चर्चा कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में कक्षा 10वीं 12वीं दोनों के बोर्ड के लिए। हमारे चैनल पर सभी विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यदि आप यहाँ से वीडियो देखते हैं तो आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ जैसे कि शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोगों ने संचार व्यवस्था के बारे में PYQ जो है ये देखना चालू किया था। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली हैं और इसके बाद में जो है कुछ मतलब ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके बारे में जो है हमको चर्चा करना बचा हुआ है। इस सिलसिले में जो है हम आज बात करेंगे कि उपग्रह संचार क्या है, इसके दो लाभ और दो हानियाँ बताइए। तो देखिए, हम लोगों को आकाश तरंग यानी कि स्काई वेव्स के बारे में पता है। यह उच्च आवृत्ति की वो किरणें हैं जिन्हें भेजने पर यह क्षोभ मंडल और आयन मंडल दोनों को पार करके और जो है अंतरिक्ष में विलीन होने के लिए संभव है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक उपग्रह बैठा दिया है जो कि हमारे द्वारा ही बनाई गई मशीन है और यह इन सिग्नलों को प्राप्त करने के बाद में इन्हें परावर्तित कर देता है और हमको जो है दूसरे हिस्से पर जो है संचार जो है हम उससे स्थापित कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि पहली बात ये है कि हमें जो है अपने संचार का जो है परास बढ़ाने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने के लिए एंटीना को जो है और ऊंचा बनाने की आवश्यकता पड़ती थी। जब हम इस तरीके से जो है संचार व्यवस्था स्थापित करें तो हम जो है पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग को एक साथ कवर करने में सक्षम हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक सैटेलाइट भेजा हुआ है, तो इस सैटेलाइट के कारण जो है हम इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जैसे कि सुदूर संवेदन, जैसे कि जो है GPS और इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। अगली बात क्या है कि इसके जो है हानियाँ क्या हैं? तो इसकी पहली हानि ये है कि भाई देखो, फायदे वाली बात यह है कि हर बार जो है जब हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं तो आप सोचिए कि दूरी बढ़ने के साथ साथ जो है सिग्नल का जो है मतलब संचार स्थापित करने का रेट बढ़ने लग जाता था, लेकिन जो है जैसे ही उपग्रह आए तो हर बार लगभग एक समान कीमत में ही हमारा जो है काम पूरे विश्व के लिए चलना संभव हो गया। लेकिन अब हम लोगों ने बहुत खर्चा करके इस सैटेलाइट को वहाँ भेज दिया है, यदि उसमें कोई ख़राबी आती है तो उसका सुधार कर पाना वह एक आसान काम नहीं है। तो सबसे पहली तो परेशानी ये हो गई। दूसरी परेशानी ये है कि जो है हमारी जो कुछ गुप्त सूचनाएं हैं या जिसको जो है हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेसी, तो व्यक्तिगत जो है महत्वपूर्ण सूचनाओं को यहाँ पर छुपाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इसमें जो है सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है और बहुत सारे लोग जो है इन सूचनाओं का गलत उपयोग कर सकते हैं। 2020 में और 2022 में और 2019 में मतलब लगातार 3 सालों तक पूछा गया यह प्रश्न है। आगे बात करेंगे कि टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए आइए कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप पृथ्वी इस तरीके से गोल है इस बात को तो जानते हैं। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है और हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की त्रिज्या आर हर दिशा में एक बराबर है। अब यदि आपने एंटीना यहाँ पर एच ऊंचाई का एंटीना बना दिया तो इस एच ऊंचाई के एंटीना से आप जितनी दूरी तक जो है अपने जो है संचार व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे, इस दूरी को हम जो है डी मान लेते हैं और ये जो है हो गया हमारी त्रिज्या आर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप क्या देखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर जो है हम यहाँ पर जो है देखें तो डी का वर्ग बराबर एच का वर्ग, भाई ये जो है इसका नाम रखते हैं, चलिए इसका नाम रखते हैं, ये है ए, ये है ओ, ये है बी, ये है सी और ये है एम। तो M जो है वह बिंदु है जहाँ पर आपने अपना एंटीना लगाया हुआ है। अब देखिए BM का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन AB का वर्ग, तो BA का वर्ग। और यहाँ से जो है हमको BM यानी कि वह दूरी BM जो है वो किसके बारे में पता चला, BM का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन डी का वर्ग, ये जो है हमको पता चल गया। अब जो है हम एक और चीज़ देखेंगे और वो क्या है, यहाँ पर जो है हम फिर से देखते हैं ये जो है एक
भाई यहाँ जो है हमको 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, त्रिज्या हमेशा जो है उसकी स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये 90 अंश का कोण है, तो हमको दिखाई दे रहा है ए ओ का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग धन बी ओ का वर्ग, और यहाँ से जो है हमको दिखाई देता है ए ओ का वर्ग क्या है, ए ओ का वर्ग है, ए ओ का वर्ग है आर धन एच और इसका पूरे का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, और ए बी का वर्ग है, ए बी का वर्ग है डी का वर्ग, डी का वर्ग, अच्छा यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर जो है डी का वर्ग आना चाहिए और यहाँ पर जो है वी एम का वर्ग आना चाहिए, वी एम का वर्ग, तो डी का वर्ग धन आर का वर्ग। अब जो है डी का वर्ग के लिए हम लोग यह देखिए यहाँ पर आ जाएगा आर का वर्ग धन एच का वर्ग धन दो आर एच, और ये बराबर हो जाएगा आर का वर्ग धन डी का वर्ग धन एच का वर्ग धन दो बी एम। अब इस तरीके से जो है जब हम देखेंगे तो हमको जो है यहाँ से आर कट गया, इस आर से ये एच कट गया, इस एच से, और हमको जो है डी का वर्ग, तो यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है बी एम का वर्ग मिल जाएगा, बी एम का वर्ग, और ये क्या है, यह वह दूरी है जहाँ तक आप सूचना का प्रसारण कर सकते हैं, तो बी एम का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल दो आर एच, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी एम जो है ये बी एम का वर्ग, तो ये जो है प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच से, मतलब जो है जितनी ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा एंटीना की ऊंचाई रखेंगे उतनी ज़्यादा दूरी तक आपका परास रहेगा, और एक सीमा ऐसी आएगी जब जो है आप एंटीना की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, तो यह वह अधिकतम दूरी है जिस पर जो है आप संचार व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 2019 का है, 21 का है और 22 का है। इसमें कह रहा है कि मॉड्यूलन क्या है, संदेश सिग्नल भेजने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए जब हम कम आवृत्ति के जो है सूचनाओं को प्रेषित करने का प्रयास करते हैं तो कम आवृत्ति की सूचनाएँ ऊर्जा जो है जल्दी जल्दी उसमें ऊर्जा नष्ट होती जाती है और इस तरीके से हमारी सूचनाएँ नष्ट होने की संभावनाएँ हैं। यदि हम कम आवृत्ति के सिग्नल को अधिक आवृत्ति के बेस सिग्नल के ऊपर डाल देते हैं तो हम इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोगों ने जो आवाज़ है हमारी, तो श्रव्य तरंगे जो हैं इन श्रव्य तरंगों को जब हम लोगों ने रेडियो तरंगे के ऊपर डाला तो हम जो है दो प्रकार से जो है यहाँ पर मॉड्यूलन कर सकते हैं। पहला होता है एएम मॉड्यूलन, और यहाँ पर जो है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता बल्कि इनके परास जो है वह बेस सिग्नल के परास के अनुसार बदलते जाते हैं और इसे हम एएम मॉड्यूलेशन कहते हैं। जबकि दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम मॉड्यूलेशन, और यहाँ पर जो है हमारी बेस तरंगों के आवृत्ति के मतलब बेस तरंगों के आयाम के अनुसार आवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है और इस तरीके के परिवर्तन को हम जो है एफएम सिग्नल कहते हैं। ये दोनों तरीके से जो है हम सूचनाओं को ज़्यादा लंबी दूरी तक प्रेषित कर पाते हैं, तो ये ज़्यादा लंबी दूरी तक हमारे संदेश सिग्नल को भेजने के लिए हमें मॉड्यूलन की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रश्नों के जवाब के बाद में अगला तक है वाहक तरंगें क्या होती हैं। तो ये जो मॉड्यूलन हो रहा है इसमें जो है ये बेस तरंगे हैं यानी कि हमारे जो है संदेश तरंगे हैं, और इन संदेश तरंगों को ले जाने वाले रेडियो तरंगों को हम वाहक तरंगे कहते हैं। प्रसारण के लिए अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्यों? अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगें ज़्यादा दूरी तक ऊर्जा नहीं खोती हैं और इस प्रकार से प्रसारण अधिक दूरियों तक संभव हो जाता है, इसीलिए हम अधिक आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग करते हैं। 2019 का यह प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलन सूचकांक क्या है, मॉड्यूलन सूचकांक क्या है। तो मॉड्यूलन सूचकांक क्या है, मॉड्यूलन सूचकांक जो है होता है वाहक तरंगों के आयाम में, वाहक तरंगों के आयाम में
संदेश तरंगों के आयाम से अधिक का जो परिवर्तन होता है उसके बटे में जो है हम लिखते हैं वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम, और इसे हम मॉड्यूलन प्रारंभिक आयाम, और इसे हम जो है मॉड्यूलन सूचकांक कहते हैं। अब मॉड्यूलन सूचकांक का जो है मान कितना रखा जाता है, तो हम हर स्थिति में मॉड्यूलन सूचकांक का मान 1 से कम रखते हैं। इस प्रकार से जो है हम संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रख पाते हैं। आगे देखते हैं आयाम मॉड्यूलन क्या है और इसके दो लाभ लिखिए। आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, जब हम सूचना तरंगों के अनुसार वाहक तरंगों के आयाम में अंतर लाते हैं, तब हम इसे जो है आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, जब सूचना तरंगों के अनुसार वाहक तरंगों में हम जो है आयाम में मॉड्यूलन लाते हैं, आयाम में बदलाव लाते हैं, तो इसे हम आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। इसके दो लाभ की लिखिए। इसके लाभ क्या है, पहली बात यह है कि यह तरंगे किस प्रकार की होती हैं, यह तरंगे जो है आकाश तरंगों की भांति होती हैं, इन्हें व्योम तरंगों की भांति होती हैं, इन्हें हम लंबी दूरी तक प्रेषित कर पाते हैं, इनका जो है रेंज बहुत अधिक होता है, और दूसरा यह है कि इससे सूचनाएं जो है वह आसानी से जो है भेजी जा सकती हैं। इनके जो है हानि क्या है, इनकी हानियाँ ये है कि इनमें जो है सिग्नल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, और इसमें जो है नॉइस यानी कि जो है जो शोर होता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 2020 और 22 में पूछा गया यह प्रश्न है। आगे इसी तरीके से जो है आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन के बारे में पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है इस चैप्टर में ऐसे अवयव रह गए हैं जो कि आपके पाठ में तो दिए गए हैं लेकिन परीक्षा में नहीं पूछे गए थे, इसलिए हम लोगों ने उस पर चर्चा नहीं की। यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से जुड़े हुए डिटेल वीडियोज़ आप देखें, तो आपको जो है हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस प्रकार से कक्षा 12वीं बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोगों ने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है, और अब हम मिलते रहेंगे जब आपको कोई समस्या होगी और आप हमसे बात करते रहेंगे। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं के लिए भी हम जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की तैयारी में हैं। यदि आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।